बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रावी लैंग्वेज। आप सबको खुश आमदीद है आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे हमारी छोटी सी दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। आज हम सीखेंगे ब्रावी में दिनों के नाम, जिस तरह उर्दू में है पीर, मंगल, बुध, जुमारात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये एक हफ्ता होता है, दिनों के नाम होते हैं। इसी तरह ब्रावी में भी दिनों के नाम होते हैं। तो आज हम सीखेंगे ब्रावी में दिनों के नाम। उर्दू में नंबर एक पे है पीर। पीर का ब्रावी में होगा दो शंबे। उर्दू में नंबर दो पे है मंगल, इसका ब्रावी होगा सए शंबे। उर्दू में है नंबर तीन पे बुध, बुध को ब्रावी में बोलेंगे चार शंबे, ठीक है। उर्दू में है नंबर चार पे जुमारात, जुमारात को बोलेंगे पंच शंबे। एक बार दोबारा सुन लें। उर्दू में नंबर एक पे है पीर, पीर को बोलते हैं दुशंबे। नंबर दो पे है मंगल, मंगल को बोलते हैं सैशंबे। नंबर तीन पे है बुध, बुध को बोलते हैं चार शंबे। नंबर चार पे है जुमारात, जुमारात को बोलते हैं पंच शंबे। उर्दू में बोलेंगे नंबर पाँच पे जुम्मा, और इसका ब्रावी होगा जुम्मा, ठीक है। नंबर छः पे है उर्दू में हफ्ता, इसका भी ब्रावी में हफ्ता ही होगा, तो इसको हफ्ता ही बोलेंगे, हफ्ता और हफ्ता। नंबर सात पे है उर्दू का इतवार, और इसको ब्रावी में इतवार ही बोलेंगे, इतवार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।